हेलो प्लस टू क्लास, आई होप आप सभी सरफेस मिस्ट्री बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, हमारे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 7 और हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट टॉपिक जो आपका हमने शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिकोलाइट्स। ठीक है, तो जो लायोफिलिकोलाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही फोर्सेज बहुत अच्छी होती है ना, दे हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर बोथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया और फिर हमने किया प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिकोलाइट्स, है ना। लायोफोबिक में क्या होता है, अफिनिटी नहीं है उनकी, है ना, तो हमने उसके अलग अलग मेथड्स किए थे, ऐसे ही था। ठीक है, तो देखो उसमें हमने जो पहला मेथड किया था, दो मेथड थे हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट इज कंडेंसेशन एंड सेकेंड इज डिस्पर्जन, जो हम आज करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क और दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये लेक्चर आप साथ में करोगे, जो आपका लास्ट टॉपिक था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिकोलाइट्स, उसमें कंडेंसेशन मेथड किया था। कंडेंसेशन मेथड्स की जो रिएक्शंस थी वो आपको दोबारा करनी है। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड की जो लास्ट में रिएक्शंस हैं वो दो दो बार दोबारा लिखनी है। ठीक है, उनको हमने अच्छे से याद करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्लियर। और आपका बहुत जल्दी टेस्ट भी हो जाएगा, मेरे को बता देना एक साथ लेना है सॉल्यूशन और केमिकल किनेटिक्स का या कैसे, क्लियर, वो मैं आपसे पूछ लूंगा। अब देखो हम आज शुरू करते हैं आगे टॉपिक। ठीक है, हमने करना मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, देखो मैकेनिकल डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मेथड के अंदर मैकेनिकल मेथड्स में मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, डिस्पर्स करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल डिस्क। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये मिल कैसे काम करती है। देखो इसमें क्या है, हमारा ये फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन, इधर से सस्पेंशन आएगा, जो भी इसमें हम पार्टिकल ऐड करेंगे ना वो पहले कौन सी रेंज में होगा, सस्पेंशन रेंज में। ठीक है, हमने उसको ऐड किया। ठीक है, ड्राइविंग बेल्ट और ये जो मेटल डिस्क है ये रोटेट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, बहुत फास्ट रोटेट करती है, अप टू 7000 आरपीएम, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो काफी तेजी से रोटेट करती है। उससे क्या होगा, उससे यहां पे होगी फोर्स प्रोड्यूस और उस फोर्स से इसका कचुंबक निकल जाएगा। ठीक है, ये जो आपका सस्पेंशन पार्टिकल है ये टूट के किस रेंज में आएगा, कोलाइडर रेंज में। ठीक है, तो हमें यही करना है और इधर से हम उसको डिस्चार्ज कर लेंगे, आया समझ। ठीक है, वेरी सिंपल, इसकी थ्योरी जो है एज इट इज आपको वर्ड टू वर्ड आपको बुक में से लिखनी है। ठीक है, क्लियर, देखो दोबारा समझो इसको, सस्पेंशन पार्टिकल इधर से नीचे आएगा, क्लियर, ये हमारी ड्राइविंग बेल्ट है जो कि हमारी मेटल डिस्क को रोटेट करवाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उससे फोर्स प्रोड्यूस होगी और उस फोर्स से हमारा जो सस्पेंशन पार्टिकल होगा टूट जाएगा और कोलाइडर रेंज में आ जाएगा, और उसका क्या बन जाएगा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे, मेथड नंबर 2, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ये मेथड कब यूज करते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ब्रेडिक आर्क मेथड किस किस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ब्रेडिक आर्क मेथड यूज होता है सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है, या वो मेटल्स जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है। ठीक है, देखो कैसे अरेंजमेंट, देखते हैं कैसे, सिंपल अरेंजमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना, आइस, वॉटर, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आर्क तब प्रोड्यूस होगी जब हम मेटल इलेक्ट्रोड्स को स्ट्राइक करवाएंगे। ठीक है, तो जब मेटल इलेक्ट्रोड्स स्ट्राइक करवाएंगे तब आर्क प्रोड्यूस होगी, इस आर्क से क्या होगा आपको बताता हूं मैं, ये क्या आइस क्या कर रही है, ये आप सोच सकते हो, है ना, आइस का क्या काम है यहां पे, आइस वॉटर को ठंडा रखेगी, क्लियर। अब देखो जैसे ही मेटल स्ट्राइक को मेटल को टकराओगे मेटल इलेक्ट्रोड्स को, उससे जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है उससे क्या होगा, उस आर्क से मेटल मेल्ट हो जाएगा, है ना, तो जो मेटल मेल्ट होगा कहां जाएगा, मेटल मेल्ट होके पानी में जाएगा। ठीक है, और जब मेटल पानी में जाएगा तो वो उस कोलाइडर रेंज में आ जाएगा, आइस उसको एज इट इज सॉलिडिफाई वहीं पे कर देगी, क्रिस्टल बनवा देगी। ठीक है, तो हम आइस का काम यही है पानी को ठंडा रखना। ठीक है, और जैसे ये हम स्ट्राइक करवाएंगे और ये पिघलता जाएगा और हमें कोलाइडर सोल मिलता जाएगा, क्लियर, एक बार और बताता हूं। ठीक है, देखो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता, पूरा रिपीट कर देता हूं, सस्पेंशन पार्टिकल्स इधर से आते हैं, डिस्क ये रोटेट करती है, डिस्क कितनी स्पीड से रोटेट करती है, 7000 आरपीएम। ठीक है, और पार्टिकल्स जो है वो टूट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्लियर, और उसका ब्रेडिक आर्क मेथड में
मेटल इलेक्ट्रोड लेनी है, बैटरी लगानी है, स्ट्राइक करवाना है और इधर पानी में हमें कोलाइडर पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके दो मेथड। अगला मेथड जो है वो है पेप्टाइजेशन। ठीक है, इसकी थ्योरी आपको खुद लिखनी है बुक से देख के। क्लियर, मैंने आपको समझा दिया, एज इट इज डायग्राम बना देना। ठीक है, ओके, अभी हम करते हैं कंटिन्यू पेप्टाइजेशन। हाँ बच्चे, आगे थर्ड मेथड कंटिन्यू करते हैं, दैट इज पेप्टाइजेशन। देखो इस मेथड में क्या करना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, मान लो किसी कोई भी सॉल्ट है हमारे पास, उसके प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, हमारे पास मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, हमारे पास इसके क्या है, प्रेसिपिटेट्स। इसके हमें इसको कोलाइडर रेंज में लेके जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे FeCl3। FeCl3 से क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव भी होगा, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। और Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, Fe3 पॉजिटिव इसके यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। मैं यहां पे चार सिंगल ही शो करूंगा। ठीक है, Fe के बहुत सारे आए हैं। क्लियर, तो चार्ज एड्सॉर्ब हो गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज ही एड्सॉर्ब हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, है ना। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, एक पर्टिकुलर आयन को वो एड्सॉर्ब कराते हैं। ठीक है, अब Fe को ही क्यों कराया, OH नेगेटिव पे जो होगा बाहर की तरफ होएंगे OH नेगेटिव, उस पर क्या होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है ना OH पे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो उससे नेगेटिव चार्ज ये इसको एड्सॉर्ब करवाएगा Fe3 पॉजिटिव को। क्लियर, तो इसका कारण होता है पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब। ठीक है, आपको नॉर्मली याद रखना है फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब कराता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, गुड, देखो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए, उसके बाद क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट होता जाएगा तो क्या होगा, आपस में रिपेल करेंगे, है ना। तो उस रिपल्शन से फेरिक हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा छोटे पार्टिकल्स में, और वो जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइडर रेंज में होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पे आप सीधा भी शो कर सकते थे ऐसे, जैसे मैंने इसके बीच में लिख दिया FeOH राइस, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी कि ये FeOH राइस है ऐसे। ठीक है, बुक में ऐसे लिखा होगा, आपको ऐसे लिखना ऐसे लिख लो, ये भी मेरे को अच्छा लगा, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, करेक्ट, राइट। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन लिखनी है, आप लोग ये कुछ नहीं लिखोगे, आप लोग पहले थ्योरी लिखोगे इसकी, है ना। राइट डाउन पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी बहुत आसान है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया, उसमें हमने एक पर्टिकुलर आयन डिजोल्व किया। ठीक है, और वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ और उसके बाद टूट गया, क्या हो गया, कोलाइडर रेंज में आ गया। क्लियर, ये डेफिनेशन है। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, the process of converting a freshly prepared precipitates into collider form by the addition of a suitable electrolyte is called peptidization. The electrolytes used for the purpose are called peptizing agents. यहां पे ferric chloride क्या होगा, peptizing agent. ठीक है, उसके बाद cause बच्चे आप लोग खुद लिख लोगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, आप थ्योरी लिखोगे आपको झट से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर पहले आप ये बनाओगे, ठीक है, cause लिखने के बाद ये बना लेना, फिर एक रिएक्शन लिख रहा हूं वो लिख लेना। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ थ्योरी लिखी हुई है वो लिख लेना। देखो FeOH थ्राइस प्लस क्या ऐड किया इसमें, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बन गया, FeOH थ्राइस सरफेस पे ये एड्सॉर्ब हो गया और ये बन गया सोल। क्लियर,
कोलाइडल सोल, प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सोल, प्रेसिपिटेट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज कोलाइडल सोल, टूटने के बाद का ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोलाइडल सोल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। प्लीज रट्टा नहीं मारना, दोबारा मेरे को कहो, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। कोलाइडल सोल बन गया। इसी तरह एक सिल्वर का सोल, एक और एग्जांपल दी हुई है बुक में, AgCl, है ना, AgCl PbT प्लस Ag पॉजिटिव आयंस, Ag पॉजिटिव आयंस इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। AgCl इसका मतलब होता है सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया Ag पॉजिटिव, कोलाइडल सोल, क्लियर बच्चे। और यही आपने पढ़ा होगा कोलाइडल के डिफरेंस में, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, आपस में जुड़ते ही नहीं है, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी के पीछे ये रीजन होता है। देखो क्या है, मैंने ये बनाया था अभी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में जो चार्ज है ना यही इनको स्टेबल रखता है, एक दूसरे से दूर रखने में हेल्प करता है, ठीक है, उसके कारण ये स्टेबल रहते हैं, क्लियर, गुड। विद दिस आपकी प्रिपरेशन सेक्शन खत्म, ठीक है। आगे है प्योरिफिकेशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो आगे करते हैं। देखो ये मैं रब कर रहा हूं, चलो आगे पहुंचे। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, प्योरिफिकेशन purification of collider solutions चलो purification में first लिखो dialysis, बहुत ही simple है, ठीक है, मैं पहले समझाऊंगा फिर थोड़ा सा लिखवाऊंगा, ठीक है। देखो dialysis में करते हैं, ठीक है, डायलिसिस में क्या करना है, जैसे आपके पास है कोलाइडल सोल, ठीक है, कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करना है हमने, है ना, तो कोलाइडल सोल में कुछ इंप्योरिटीज होंगी, और जो इंप्योरिटीज है ना वो उनका साइज कोलाइडल से छोटा है, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स को क्रिस्टल्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्रिस्टलॉइड्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल होता है उस रेंज में, ठीक है। इंप्योरिटीज को सबको मिला के क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, क्लियर, क्रिस्टल्स तो सस्पेंशन में चले जाएंगे, क्लियर। तो डायलिसिस में क्या करना है, हमने हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और इंप्योरिटीज हैं, इंप्योरिटीज यानी कि क्रिस्टलॉइड्स, हमें क्रिस्टलॉइड्स को बाहर निकालना है, क्लियर। तो देखो कैसे होगा, कुछ नहीं बनाना, आराम से बैठो, ठीक है, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद इसको टांगो, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, हमने यहां पे लेना है कोलाइडर का जो हमें जिसको प्योरीफाई करना है, इधर होगा वाटर, ठीक है, वाटर इधर से इधर से आओ, उसको होगा क्या, देखो ये जो इसमें लेंगे पर्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, और इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ अलाउ करेगी, सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स बाहर आ पाएंगे इसमें से, कौन बाहर आ पाएगा, सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स, अगर सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स बाहर आ पा रहे हैं इसमें से तो पानी में आएंगे, पानी के तेज बहाव के साथ ये बाहर भी जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो पानी को साथ साथ बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सारा उसमें क्या रहेगा, इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और फिर वो चिपक जाएंगी बाहर के सरफेस में, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन के, और वो फिर और क्रिस्टलॉइड्स बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण इसको पानी जो होता है वो रनिंग वाटर होता है, क्लियर। एक चीज और,
इस प्रोसेस को हम पास भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे साथ में बुक में साथ में डायग्राम बना हुआ, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन समझा दूं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जैसे सॉल्ट Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव पार्टिकल्स जो भी इसमें होंगे, है ना, तो वो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे प्लेट्स की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। मैं बना देता हूं, जैसे ये, ठीक है, और इसको अब जोड़ दो बैटरी के साथ, ठीक है बच्चे, बस ये करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव वाले पार्टिकल्स इधर को तेज आएंगे ना, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले इस तरफ आएंगे और पानी में आएंगे आके बाहर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लिए, ठीक है। और ये प्रोसेस उससे नॉर्मल डायलिसिस से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, आया समझ, ठीक है। देखा बिल्कुल सिंपल था, हम इसको लिखें, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रिंसिपल आप लोग खुद लिख लेना, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा राइट डाउन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, कैसे किया, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस, क्लियर। प्रिंसिपल समझा दिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस समझा दी, क्लियर। अब आता है हमारी जो डेली लाइफ में हम जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है उनमें वो क्या करवाते हैं, डायलिसिस, है ना, तो उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा अभी, है? देखो पेशेंट्स आपने देखा होगा आपके आसपास भी, है ना, तो जिनकी डायलिसिस होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो साइज होता है क्लोराइड रेंज में होता है, उसमें जो भी इंप्योरिटीज होती है, हमारी किडनी का फंक्शन क्या है, उसको सेपरेट आउट करना, ठीक है। किडनी जब काम नहीं करती तो हम डायलिसिस मशीन में करते हैं ना, तो ब्लड उसमें जाता है और उसमें से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, ब्लड प्योरिफाई होके दोबारा से वेन्स में, आर्टरी से निकलेगा वेन्स में वापस, ठीक है। तो इस तरह आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, है, काम करती है, ठीक है। इसके कुछ लॉसेस भी हैं, ठीक है, उसको हम आज तक अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए, है ना, वो क्या है, उसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ बहुत जरूरी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो भी साथ में बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टलॉइड के साथ, है ना, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, आयरन, आयरन के आयंस, है ना, तो वो सारा जब साथ में बाहर जाएगा, ठीक है, तो बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। आपने देखा होगा जो पेशेंट्स किडनी जिनके खराब हो डायलिसिस करवा रहे हो उनका रंग थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो इसी कारण होता है, आया समझ, ठीक है। चलो आगे हम करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बच्चे दो डेफिनेशन है, ठीक है, राइट डाउन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये करने के बाद कर लेना, ठीक है, सारा लिखने के बाद फिर लिखना, लिखो, लिख लेना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज फ्रॉम द क्लोराइड सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू ग्रेटेड फिल्टर पेपर, बाय पासिंग इट थ्रू ग्रेटेड फिल्टर पेपर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्लियर। देखो ग्रेडेड का मतलब क्या है, मेरे पास पेपर है, मैंने आपको ये बताया था थोड़ा सा, बस ठीक है, इसके ऊपर ग्रेडेड का मतलब अगर हम और ज्यादा शीट चढ़ाते जाएंगे पोर्स छोटे होते जाएंगे, हमारा फिल्टर पेपर उतना अच्छा होता जाएगा, है ना, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ग्रेडेड फिल्टर पेपर बनाते कैसे, उसकी हमें थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी, ठीक है, राइट डाउन। देखो द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रेगनेटिंग impregnating ऐसे, ठीक है, impregnating them with colloidal or gelatin solution to stop the flow of colloidal particles,
The colloidal or gelatin solution generally used is 4% solution of nitrocellulose, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. That's enough, ठीक है, बहुत है। उसके बाद आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करना है, चर्न करना है, जैसे रोटेटिंग मेटल में था, चर्न करेंगे जो भारी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में रहेंगी, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। तो हमने आज की प्रिपरेशन रिएक्शंस कौन कौन सा, मैकेनिकल डिस्पर्जन किया, ब्रेडी कार मेथड किया, पेप्टाइजेशन की, ठीक है, और फिर हमने प्योरिफिकेशन की, डायलिसिस की, डायलिसिस में हमने और क्या किया, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, या सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छे, ये था आपका लेक्चर नंबर 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक यहां तक जल्दी से कवर कर लो और असाइनमेंट भी शुरू कर लेना, ठीक है। ओके, बेस्ट, ऑल द बेस्ट।